ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। आशा है कि आप सब लोग कोरोना से बचे हुए होंगे और अपने घर में खुशहाल सुरक्षित होंगे। तो यसारा के इस दूसरे चैप्टर में, जिसको हम चैप्टर वन के नाम से भी, चैप्टर वन एक्सटेंडेड के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये पहले वाला जो पार्ट था चैप्टर वन, वो इंट्रोडक्शन था। तो इसको हम एज अ इंट्रोडक्टरी ही दोबारा से एक और एक्सटेंडेड वर्जन मानकर चलते हैं। ये एक्सटेंडेड वर्जन है यशारा का, इंट्रोडक्शन का। तो मैं वापस आया हूँ, मेरा नाम है सुधीर कुमार पार, मैं आपके लिए लाया हूँ यशारा का ये इंट्रोडक्शन। होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं यशारा का इंट्रोडक्शन एक्सटेंडेड। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली थोड़ा सा और इस यशारा इंटरफेस के बारे में, जिसके अंदर हम आज एक प्रोटीन के साथ थोड़ा सा प्ले आउट करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि एक छोटा नया मॉलिक्यूल, अगर आपके पास कोई लाइगेंड बनाना है आपको या कोई कंपाउंड फॉर्म करना है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं ये सारा क्या। तो चलिए सबसे पहले हम पहले की तरह ही एक प्रोटीन कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा इंटरनेट मेरा साथ देगा, कि इंटरनेट से हम सेम प्रोटीन लोड कर लेते हैं जैसे हमने पिछली बार किया था। तो ये प्रोटीन हमारा हमारे पास हमारे सामने है, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा कार्टून रिप्रेजेंटेशन में ये दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोटीन में, जैसे हमने देखा था पिछली बार, इसको डाउनलोड करने के बाद जब हम डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में चेक करते हैं, तो हमारे पास ये बॉल एंड स्टिक मॉडल आता है, ये बॉल व्यू है, बॉल एंड स्टिक मॉडल है, ये आपका स्टिक मॉडल है, ये आपका अल्फा एटम बैकबोन मॉडल है, ये बैकबोन मॉडल है, रिबन मॉडल भी इसे हम कहते हैं, ये कार्टून न्यू कार्टून मॉडल भी कहते हैं, कुछ लोग कार्टून मॉडल भी कहते हैं, ये कार्टून रिप्रेजेंटेशन है, ये सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, इसके अंदर अब हमने यहाँ पर, आपने जब हम F3 F2 प्रेस करेंगे, आपको पता है जैसे पिछली बार मैंने बताया था, इसके अंदर मिसिंग होते हैं हाइड्रोजन एटम्स, PTP में हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए एडिट में जाएंगे, एडिट में जाकर हम क्लीन करेंगे, क्लीन ऑल, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ सिर्फ एक ही प्रोटीन है हमारे पास, इसलिए हम ऑल भी दबाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल जैसे हम करते हैं क्लीन ऑल, आप देखेंगे कि यहाँ पर, ये देखिए आप, यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं ये सब ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हुए हैं, ऐड होने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन की टोपोलॉजी है जो हमारे पास हमने PDB से निकाली है, उसको हमें क्या करना होगा, पहले क्लीन किया। अब क्लीन करने के बाद हाइड्रोजन एटम्स सब ऐड हो गए, लेकिन इसके बाद हमें मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज भी करना है। एनर्जेटिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यहाँ, आप देखेंगे ऑप्शंस में चूज एक्सपेरिमेंट है, चूज एक्सपेरिमेंट में इससे पहले हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि इसमें जो रामाचंद्रन प्लॉट है, रामाचंद्रन प्लॉट कैसा दिखता है। अगर यहाँ पर हमें देखने के लिए कहीं मिल जाए तो रामाचंद्रन प्लॉट, रामाचंद्रन प्लॉट अगर हमें नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट देख सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट से हमारे को पता लगेगा, ये देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ऑल हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट 45% हेलिक्स, 17% शीट, 8.7% टर्न, 28% कॉइल एंड 0% ऑफ 3/10 हेलिक्स एंड पाई हेलिक्स। तो After adding hydrogens, we have secondary structure content in this form. अब लेकिन इसके बाद हम इसको अब energetically optimize करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका energy content कैसा रहता है। तो choose experiment जाके हम energy optimization पर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक simulation cell बनकर आ जाता है, steep station minimization चालू हो चुका है। तो धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं movement हो रहा है atoms का, ये बताता है कि प्रोटीन
एनर्जेटिकली अपने लोकल स्टेट में आ रहा है, लोकल से ग्लोबल। ये देखें यहाँ पर एनर्जी मिनिमाइजेशन खत्म हो गया है, ऐसे मूव कर रहा है, इजीली मूव हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी मिनिमाइजेशन खत्म हो गया। यहाँ पर डिलीट करेंगे, फिर से हम एक बार चेक करेंगे इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट। यहाँ पर आपने देखा होगा एनर्जी मिनिमाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड आफ्टर 567 स्टेप्स, और फाइनल एनर्जी जो है हमारे सिस्टम की यानी कि प्रोटीन की वो आई है -14.66 किलो जूल पर मोल। एनर्जी मिनिमाइज करने के बाद हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट कुछ इस टाइप का आता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब जो हमारा प्रोटीन था वो ऑलरेडी एनर्जेटिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में था, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे हम इसको कार्टून फॉर्म में लेके आते हैं, ये जो फोल्डिंग पैटर्न है, बॉन्डिंग पैटर्न है, फोल्डिंग पैटर्न है इस प्रोटीन का, ये एब्सोल्युटली ग्लोबली एनर्जेटिकली स्टेबल कंडीशन में है। मिनिमम एनर्जी इस प्रोटीन की स्टेबलाइज्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमने देखा एनर्जी कंटेंट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट कैसा है, एकदम सही है। तो ये हमारा प्रोटीन प्रिपेयर हो गया है, इस प्रोटीन को हम फाइल में यहाँ जाकर सेव करके पीडीएफ फाइल हम इस प्रोटीन को सेव कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको डॉक्यूमेंट्स में टेस्ट फोल्डर नाम का फोल्डर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस फोल्डर में सेव कर लेते हैं। सॉरी दूसरा कुछ पता गया, टेस्ट फोल्डर में हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। इस प्रोटीन का नाम देखिए थोड़ा अजीब सा है, इस प्रोटीन का हम नाम दे देते हैं टेस्ट डॉट पीडीबी। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर टेस्ट डॉट पीडीबी हमारे पास। तो इस अब ये इस विंडो को हम यहाँ से क्लीन कर लेंगे। अब हम देखें करें क्या करेंगे, हम एक नया छोटा सा मॉलिक्यूल, हम कोई भी एक कंपाउंड बनाएंगे स्क्रैच से, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी नया लाइगन हम बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एडिट में जाएंगे, एज जीयूआई का इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है तो एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है बिल्ड का। तो हम क्या करेंगे बिल्ड मॉलिक्यूल करेंगे, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल डायरेक्टली भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूल फ्रॉम स्माइल स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी स्माइल स्ट्रिंग है तो नहीं है हमें स्क्रैच से बनाने तो वो भी बना सकते हैं। ऑलिगोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड अगर हमें कुछ बनाना है यानी कि कार्बन चेन्स वाला जो शुगर की चेन्स है, ऑलिगोसेकेराइड बनाना है, रेजिड्यू बनाना है प्रोटीन के अंदर, डीएनए आरएनए में रेजिड्यू बनाना है, ये सब हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पर आपका एक ये देख रहे होंगे नॉर्मल बनाने के लिए, यहाँ पर ये बेंजीन टाइप का एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आप हमारे पास ये एक नया ऑप्शन खुलता है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के साइड बाय चेंज हैं जिसे हम यूज़ करके अपना मॉलिक्यूल बना सकते हैं। दोबारा से देखेंगे एक बार, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पेंसिल टाइप का सर्कल, मेरे पास ये एक टैब आ जाता है, इस टैब के हिसाब को यूज़ करके मैं कोई भी मॉलिक्यूल बिल्ड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम बेंजीन ले लेते हैं, सपोज पहले हमने बेंजीन ले लिया, फिर इस एटम की जगह हम यहाँ पर पेंटामेरिक रिंग ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद मुझे ये यहाँ पर ये वाला सल्फर ग्रुप ऐड करना है, फिर इसके बाद मुझे इस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन लगाना है, इसकी जगह यहाँ पर ये नाइट्रोजन की जगह मुझे डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कैन रिप्लेस होने वाला। अच्छा चलो एक और ये वाला ग्रुप करेंगे, यहाँ पर हम
ये वाली चीज़ ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, और हम यहाँ पर इसकी जगह पे हम यहाँ पे फिर से एक इंजीनियरिंग लगाते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, सेंटर में ला के, ठीक है। ये वाला हमारा कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल के लिए हमने ये मॉलिक्यूल बना लिया। अब इसको हम जैसे हम इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, वो अच्छा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यू एन के अननोन, यू एन के का मतलब होता है अननोन, इसका हमने कोई भी नाम नहीं दिया। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया। अब हमें इसको एनर्जेटिकली ऑप्टिमाइज करना है, हमें क्या करना है। अब ये बंद हो गया, लेकिन इसका बॉन्ड रेजोनेंस क्या है, बॉन्ड क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वो सब देखने के लिए हम यहाँ पर जैसे आपका ये सब चीज़ें हमें सही करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम ऑप्शन जाएंगे अगेन, जैसे हमने प्रोटीन को मिनिमाइज किया था वैसे ही हम मिनिमाइज करेंगे। वो नाइन एटम है, टू मैनी हाइड्रोजन मिसिंग, हमारे पास ये क्या आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री मेथड टू सच अनयूजुअल रेडिकल एंड मोस्ट लाइकली अनइंटेंडेड। क्या बता रहा है कि क्लिक करो, एडिट करो, क्लीन करो, उसके बाद दोबारा ट्राई। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है मे बी कुछ बॉन्ड का प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड है या वैलेंसी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाकर हम क्लीन करके ऑल करेंगे, क्लीन करेंगे, जैसे ही हम इसको क्लीन किया ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, ये इस मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू द सो। जैसे हमने क्लीन किया देखा कि इस एटम के पास ये दो हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा था। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर बॉन्ड। तो अब ये सही हो गया है। तो अब हम इसको दोबारा से चूज एक्सपेरिमेंट में एनर्जी मिनिमाइज करेंगे। अब आप देखेंगे ये एनर्जेटिकली मिनिमाइज होने लगा है, इसमें कोई एरर नहीं आया है, क्योंकि जो एरर था हाइड्रोजन मिसिंग का वो रेक्टिफाई हो चुका है। यहाँ पर लाइगेंड को पैरामीटराइज कर रहा है, ये सारा कहता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर ऑटोस्माइल टेक्निक होती है। ये देखिए आप देख रहे हैं एनर्जेटिकली मिनिमाइज हो रहा है, रनिंग सिमुलेटर मिनिमाइजेशन एनर्जी भी दिखा रहा है साथ साथ। तो इसके ये सारा के अंदर ऑटोस्माइल फॉर्मेट का होता है, जिसमें ये किसी भी नए मॉलिक्यूल को ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज करता है। पैरामीटराइज करने का मतलब जितने भी चार्जेस वगैरह हैं, नेमिंग क्या है, इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के नेमिंग क्या है, इनके ऊपर बॉन्ड एंगल कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर एंगल डायहेड्रल एंगल सिंपल बॉन्ड एंगल कितना है, वो सब पैरामीटराइज करके आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पे एनर्जी मिनिमाइजेशन फिनिश हो चुका है, हम इससे विजुलाइजेशन आसानी होती है। तो आपने देखा कि पहले ये मॉलिक्यूल ऐसा सीधा था, अब यहाँ पर ये कर्व हो गया है, ये एनर्जेटिकली मिनिमाइज हो गया। हालांकि ऐसे ही हमने बनाया है, बट फिर भी ये एक मॉलिक्यूल हमने टेस्ट किया कि ये कैसा है। अब इसको हम अलग से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में, पहले जैसे देख सकते हैं, F1 दबाएंगे तो बॉल एंड स्टिक में दिखेगा, F2 दबाएंगे तो F1 में बॉल मॉडल में, F2 में बॉल एंड स्टिक में, F3 में ये आपका स्टिक मॉडल में दिखेगा। स्टिक मॉडल में इजीली आप देख सकते हैं कैसे ये मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम इसका जो चेक कर सकते हैं, इसमें इसका चार्ज चेक कर सकते हैं हम इस मॉलिक्यूल का, कि इसका चार्ज कितना है। यहाँ पर आपको दिखा दिख कर आया होगा ऑल हैज चार्ज 0.2050, समड अप दैट चार्ज इज 0.2050। ये जो चार्ज है, ये मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए कायदे से। तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइगेंड होता है वो एनर्जेटिकली लोअर स्टेट में अपनी न्यूट्रल पोजीशन होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन हो सकता है हमने इसके अंदर कुछ ऐसे अजीब डाले हैं,
जो इसका चार्ज बढ़ा दिया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट भी चेक कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट अगर कुछ है तो द एक्सटेंशन ऑल इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस कमांड। ठीक है, हम दोबारा से एनालाइज में जाके डाइपोल मोमेंट ऑफ द रेजिड्यू कर लेते हैं। जैसे हम रेजिड्यू क्लिक करेंगे, एक और विंडो खुलेगा जो हमें पूछेगा कि कौन सा रेजिड्यू आपको देना है, क्योंकि हमारे अंदर यहाँ पर विंडो में फिलहाल एक ही रेजिड्यू। हम उसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर आपका कुछ आया है, यहाँ पर है डाइपोल मोमेंट ऑफ सेलेक्टेड एटम इन ऑब्जेक्ट वन इज सो मैनी सेंटीमीटर एंड ऑल डिवाइस। ये हमें डाइपोल मोमेंट बताया है, इस एटम का डाइपोल मोमेंट क्या है, जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी वीक है। आगे देखेंगे, एनर्जी देखेंगे अगर हम इस मॉलिक्यूल की क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। आप यहाँ पे कैलकुलेटेड सम ऑफ ऑल एनर्जी भी देख सकते हैं। आप इंडिविजुअल एनर्जी कॉम्पोनेंट जैसे कि बॉन्ड एनर्जी, एंगल एनर्जी, डायहेड्रल एनर्जी, प्लानरिटी, वंडरवॉल एनर्जी, कूलम, जो कि हम जनरली क्रोमैक्स में MMPBS है और मॉलिकुलर मैकेनिक्स PBS और मॉलिकुलर मैकेनिक्स GBS के फॉर्म में हम देखते हैं इंडिविजुअल एनर्जी कंपोनेंट्स किसी भी प्रोटीन का या बायोमोलिक्यूल का कंपाउंड का। वैसे ही हम यहाँ पर इसका एनर्जी कंपोनेंट अगर हम चाहें तो एज ए सम एनर्जी कंपोनेंट पूरे देख सकते हैं। एक बार टोटल करके देखते हैं क्या दिखता है। टोटल करके देखेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की है -256.51 किलो जूल पर मोल। अब सेम एनर्जी कंपोनेंट इंडिविजुअल एनर्जी कंपोनेंट अगर हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल डायहेड्रल प्लैनेटरी कूलम वंडर वॉल। यहाँ पर एनर्जी आपकी बॉन्ड की 9.58, एंगल 89, डायहेड्रल -3, 312, प्लैनरिटी 0.02, कूलम -30, वंडरवॉल -12 किलो जूल पर मोल। ये डिफरेंट इंडिविजुअल एनर्जी कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर हमें पता लग गई है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम रिपोर्ट कर सकते हैं इन पब्लिकेशन। अगर आप पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे हैं तो रिसर्च आर्टिकल के लिए आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बना दिया है, हमने इसको सेव कर लेते हैं। पहले जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब सेव एज के अंदर हम इसको PDB फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। आप इसके अंदर अदर फाइल फॉर्मेट्स में जाके डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स STF हो गया, MOL हो गया, MOL2 हो गया, इनमें भी आप सेव कर सकते हैं। जनरली PDB में हम सेव कर लेते हैं उसको, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स जैसे ऑटोडॉक वगैरह हो गया, अगर जब आप डॉकिंग करते हैं तो ऑटोडॉक में PDB के फॉर्म में आपको लाइक एंट्री होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड टू PDBQT लेटर ऑन बाय ऑटोडॉक। और अगर आप सारा में ही डॉकिंग करते हैं तो अगर आप सिंगल कंपाउंड को डॉक करते हैं तो उसके अंदर आप PDB फॉर्मेट या कोई सा भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मल्टी लाइगेंड डॉकिंग करनी है तो उसके अंदर STF फॉर्मेट में हम सिंपल फाइल लोड करके उसको इजी हो जाता है डॉक करना। तो हम यहाँ नॉर्मली PDB सेव कर लेते हैं। उसी टेस्ट फोल्डर में हम इसको सेव करते हैं, फिनाइल ही नाम दे देते हैं इसको। ये हो गया फिनाइल। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर फिनाइल नाम का हमारा मॉलिक्यूल जो कि 7 KB का है, टेस्ट नाम का हमारा प्रोटीन जो 55 KB का है उससे। तो आपने देखा हम कैसे छोटा सा मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहीं पर दोबारा से इसको हम क्लिक करेंगे, इसको ये रिंग मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ पर जाके डिलीट कर देता हूँ। ये एटम यहाँ से डिलीट हो गया। या आपको पूरा ही नहीं चाहिए, सेलेक्ट रेजिड्यू पूरा सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ पर
डिलीट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे दोबारा बना सकते हैं नया, ऐसे ही हम कुछ भी बना सकते हैं। एक बार इसको भी दोबारा से हम एडिट करके क्लीन करके हटा देते हैं, इसको दोबारा से हम देते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से हम बना सकते हैं, जितने चाहे आप बना सकते हैं, 1, 2, 10 जितना आपको ज़रूरत है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग या आपके काम के हिसाब से। इस तरीके से ट्रांसलेट करके आप नीचे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यह सारा बहुत ही बेहतरीन टूल है, मैं तो अपनी रिसर्च के लिए इसे ही सारा यूज करता हूँ। ये देखिए मिनिमाइज हो गया, पहले कैसा एलोंगेटेड था, अब थोड़ा कॉम्पैक्टेड मोड में आ गया है। हमें सारे मॉलिक्यूल सारे एटम्स एक जैसे ही लिए थे, सारे ग्रुप्स तो सेम सेम है। और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप सरफेस देखना चाहते हैं, सरफेस ऑफ दिस मॉलिकुलर सरफेस देखना है, वेंडर वॉल देखना है, सॉलिड एसेसिबल देखना है, कैसा देखना है। फॉर एग्जांपल वेंडर वॉल सरफेस देखते हैं मॉलिकुलर सरफेस के साथ में। ये देखिए आपके पास ये जो ग्रीन वाला है आपका सरफेस, ग्रीन वाला क्योंकि हमने दोनों एक साथ चलाए हैं, तो ये ग्रीन वाला जो है मॉलिकुलर सरफेस है, और ये ऑरेंज का शेड जो आप देख रहे हैं टिंटिंग मोड पे, ये आपका वेंडर वॉल सरफेस है। मैं यहाँ पे इसको व्यू में जाकर हाइड कर देता हूँ, हाइड सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट बिना है ओके, इसका मैं मॉलिकुलर सरफेस है सॉलिड एसेसिबल हाइड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ सिर्फ मुझे वंडर वॉल सरफेस दिख रहा है। अब यहाँ पर कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि हमने इसके अंदर ये सारे के अंदर जब हम पहला सरफेस डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर का, उसके बाद कोई और कलर का, ऐसे कलर ये सारा देता है। यहाँ पर अगर मैं सबको ही क्लीन कर देता हूँ, सारे सरफेस में हटा देता हूँ, मैंने सारे सरफेस हटा दिए। अब यहाँ सिर्फ मैं इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ वेंडर वॉल सरफेस देखता हूँ और कोई नहीं देखता, देखते हैं ये कैसे होता है। हाँ ये देखिए, ये वेंडर वॉल सरफेस है हमारे प्रोटीन का, सॉरी हमारे लिगेंड का, कंपाउंड का, जो भी आप कहना चाहें। तो ये इस तरीके से हम और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, सरफेस एरिया देख सकते हैं, और इसके अंदर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली इसमें नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम देखना चाहें पार्टिकल में सवाल के फॉर्म में देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है आपके इस मॉलिक्यूल का। ये इस ये जो हमारा कंपाउंड है ये इतने एरिया तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रखता है, भी छोटे छोटे पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रिड को बताते हैं।
कितना एरिया कवर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी कि अगर ये किसी और प्रोटीन या किसी और कंपाउंड से इंटरेक्ट करेगा तो ये इतना एरिया में इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज काम करेगा अकॉर्डिंग टू द सब ग्रुप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब ग्रुप्स इन सब एटम्स। ठीक, तो ये बढ़िया तरीका है बहुत सारी चीज़ें चेक करने का, देखने का। तो आज के लिए इतना ही, इसको बंद करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर प्रोटीन और लिगेंड बनाए हैं, ये अभी दोनों प्रोटीन और लिगेंड जो है ये मिनिमाइज स्टेट में है, एलोस्टेटिकली मिनिमाइज स्टेट में है, अपने नेचुरल स्टेट जिसे हम कहते हैं, नेटिव स्टेट कहते हैं, उसके अंदर है। तो अब नेक्स्ट बार हम इन दोनों प्रोटीन और लिगेंड को टॉक कराएंगे आपस में, हम देखेंगे कि ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्या इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बेसिकली हम मॉलिकुलर टॉकिंग का छोटा सा एक ट्यूटोरियल देखेंगे जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि ये सारा के अंदर किस किस तरीके से टॉकिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं ये नेक्स्ट बार बताऊँगा सारा के अंदर हम टॉकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जिंदे बंदे रहिए, भगवान को याद करते रहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।